शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा यूनिट, जिसका नाम है आपका, वो है रासायनिक आवरण और आणविक संरचना। इससे पहले वाला जो क्लास था, उस क्लास में हमने सहसंयोजी बंध क्या है, सहसंयोजी बंध को किस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है, जिसमें हम लोग तीन सिद्धांत देखे थे, जिसमें से पहला सिद्धांत हमारा हो गया था लुईस लेगम्यूर का, जिसके अनुसार सहसंयोजी आवरण किसे कहते हैं या सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, वो हम लोग समझ चुके थे भाई। आज हमको थोड़ा सा पढ़ना है अष्टक नियम के अपवाद, अपवाद है ना, अष्टक नियम के अपवाद। वैसे आप अष्टक नियम जानते हैं, इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें आप अष्टक नियम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अष्टक नियम का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु वक्री गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम कक्षक पर क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन दे के या तो इलेक्ट्रॉन ले के क्या करता है, पूर्ण करता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका अष्टक नियम कहलाता है। और अष्टक नियम से चाहे वो आयनिक यौगिक हो चाहे वो सहसंयोजी यौगिक हो, सभी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, जो व्यवस्था होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, उसको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसके बावजूद भी है ना, अष्टक के नियम जो होता है उसमें कुछ क्या होता है, अपवाद होता है, जिसको हमको क्या करना है, देखना है। तो बहुत सारे आयनिक यौगिक में लिख सकते हैं यहाँ पर है ना, बहुत से आयनिक और सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक में, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को अष्टक नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ क्या होती है, अपवाद होती है, भाई। वैसे तो अपवाद केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, बावजूद कुछ अपवाद हैं जिसको हमको पढ़ना है। ये पूछता नहीं, लिखना नहीं है, हम लोग अपने से ही लिख रहे हैं, अपवाद हैं। तो हम पढ़ चुके हैं भाई अष्टक नियम क्या होता है भाई। तो अष्टक नियम तो यही बताता है ना कि किस प्रकार से कोई भी परमाणु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन या अपने अंतिम कक्षक में 8 को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और कितना होता है, 6 होता है। तो अंतिम में चूंकि हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है दूसरे कक्षक में, तो ये क्या करता है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है और अपना 8 पूरा करता है। या मैं बात करता हूँ सोडियम का, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8 और कितना होता है, 1 अंतिम में 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है और क्या बनाता है, हमारा अष्टक पूर्ण करता है। तो वो आपका अष्टक नियम कहलाता है। मतलब अष्टक नियम के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वहाँ पर जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। मतलब आयनिक बंध के बनने से है ना, या आयनिक बंध में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होता है, उससे अष्टक नियम को समझा जाता है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड के बीच की अगर मैं बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बनने वाला बंध आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ पर जो भी क्या होता है, आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है या अष्टक पूर्ण करने की व्यवस्था होता है, वो आयनिक बंध से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सेम अगर हम सहसंयोजी बंध करते हैं तो सहसंयोजी जो बंध होता है, उस सहसंयोजी बंध के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, हमारे अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे ऐसे यौगिक होते हैं जहां पर अष्टक नियम जो है पालन नहीं होता है, और वो यौगिक हम पढ़ते भी हैं, तो उन्हीं को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं भाई, अष्टक नियम के अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। और वो भी हम उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। तो वही चीज़ जो कि सही नहीं है, अष्टक नियम के जैसा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो उनके अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 9-10 इलेक्ट्रॉन है, या 8 इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भी कुछ यौगिक हैं। और उन्हीं यौगिक को समझाने के लिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अष्टक नियम के क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं को हमको क्या करना है, अभी थोड़ा थोड़ा देखना है। तो अष्टक नियम के अपवाद में पहला अपवाद आपका दिया गया है, और वो अपवाद है आपका, ये है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ठीक है भाई। हमारा अपवाद क्या है,
केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण। केंद्रीय परमाणु हम बोल सकते हैं जिन परमाणुओं से अन्य परमाणु क्या होता है हमारा जुड़ा रहता है वो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं पानी का, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है हमारा, ऑक्सीजन है। अब इसको कई माध्यम से आप केंद्रीय परमाणु क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई, चूँकि यहाँ पर H और OH है अर्थात पानी का सूत्र है, तो इसमें ऑक्सीजन की जो क्या होता है, जो ऋण विद्युता गुण होता है ना, ऋण विद्युता जो होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस कारण से साझेक इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेता है, साझेक इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेता है, अर्थात ये क्या हो जाता है आपका केंद्रीय परमाणु हो जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको केंद्रीय परमाणु मानते हैं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन उसी की तरफ क्या रहता है, खींचा रहता है। तो उसी को हमको देखना है कि अष्टक नियम जो होता है उस नियम के पहले अपवाद है केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। तो कुछ यौगिक हमारे पास इस प्रकार से है जिनके जो केंद्रीय परमाणु हैं उनका जो है साझा के बाद या इलेक्ट्रॉन लेन देन के बाद भी उनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण नहीं होता है, जो कि क्या होता है आपका ये अपवाद के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से अपवाद हैं उसको हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर क्या करते जाते हैं, देखते जाते हैं भाई। जैसे इसमें पहला दिया है आपका, ये दिया है आपका उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण ही आपको ज़्यादातर लिखना है, उदाहरण ही समझना है। यहाँ पर दिया है आपका BF3, ठीक है, एक यौगिक है हमारा BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं, जो कि अष्टक नियम के हिसाब से देखा जाए तो इनका केंद्रीय परमाणु क्या होता है, उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। जैसे BF3 में बोरान की अगर मैं बात करूं तो ये जो बोरान होता है ये जो है आपका केंद्रीय परमाणु होता है, क्योंकि बोरान बीच में होता है और इससे दो हमारा क्या होता है आपका फ्लोरीन जुड़ा रहता है, तो जिससे जुड़ा है हम उसके आधार पर भी बोलते हैं, तो बोरान इसमें केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, अब ये जो बोरान होता है उसका आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 5 होता है, आपको पता है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, 2 और 3 होता है, मतलब इनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो लुईस के अनुसार अगर मैं बात करूं तो लुईस के अनुसार इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बी, यहाँ पर हम लोग बी कर देते हैं और अंतिम में जो भी है उसको लिख देते हैं। तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई हमारा, 3, तो लुईस के अनुसार हम क्या करते हैं उसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, 1, 2 और 1 कितना हो जाता है, 3। अब उसके साथ जुड़ा कौन है भाई, फ्लोरीन जुड़ा है, तो फ्लोरीन आप जानते हैं फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 9 होता है, आप इसको आपको पता है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अगर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो कितना होता है, 2 और 7 होता है, मतलब अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया, 1 है ना, तो ये 2 हो गया और 2, 2, 4 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 और 1, 7 हो गया। इस फ्लोरीन का भी करें तो 1, 2 हो गया, 3, 3 ये हो गया, 3, 3, 2, 5 और 1 6 और 7 हो गया। इसका भी करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। तो ये इस प्रकार से हम करते हैं, यदि बोरान जो होता है फ्लोरीन के साथ अपने एकक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, साझा कर देता है, तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन का तो क्या हो जाता है आपका 8 कंप्लीट हो गया, बोरान के एक परमाणु के साथ या एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया तो फ्लोरीन का 8 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया, इसका भी कितना हो गया आपका, 8 हो गया। बट यहाँ पर बोरान का देखें तो बेचारा जो है अपना तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग तो मार दिया है, तो बाकी जो उसके साथ जुड़ रहा है उसका तो अष्टक पूर्ण हो जाता है, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। किसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है भाई, आपका ये जो बोरान होता है, देखो ये बोरान है और बोरान का अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है केवल बेचारा के पास, 2, और इसके इधर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है तो 2, तो 4 और 2, 6 ही हो रहा है, अर्थात उसमें अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और ये किसके अंतर्गत आता है, पहला जो अपवाद है केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण। तो ये बोरान इसमें केंद्रीय परमाणु होता है और वो शेयरिंग के बाद भी उनका आपका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, जो कि हमारे अष्टक नियम के अपवाद के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके अलावा इसमें और भी क्या कर सकते हैं आप, उदाहरण ले सकते हैं, ये आपका पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं भाई, दूसरा उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड उदाहरण ले लेते हैं हम एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है हमारा AlCl3, ठीक है। अब ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है इसका अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो आप सबके सब जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई हमारा, 13 होता है, एल्युमिनियम कितना होता है, 13 होता है। और क्लोरीन की मैं बात करूँ तो क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र जो होता है वो उसके संयोजकता पर निर्भर करता है भाई, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है, और जब भी केमिस्ट्री में क्या किया जाता है आपका जो सूत्र बनाया जाता है दोनों को मिला करके, तो उनको क्या किया जाता है, उल्टा लिखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम का 3
संयोजकता होता है तो क्लोरीन उसको दिखाता है, और क्लोरीन के एक संयोजकता होता है उसको एल्युमिनियम दिखाता है। इस वजह से सूत्र को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको हम लोग देखेंगे या तो पहले देख चुके हैं और भी देखते जाएंगे भाई। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, और ये क्लोरीन का आपका 17 है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूँ तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, बट हमारे पास 3 बचा है क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 और 8 10 और 3 13 हो गया। इसमें बात करूँ मैं तो 8 और कितना हो जाता है हमारा, 7 हो जाता है। तो एक के में अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक में 3 में अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर केंद्रीय परमाणु जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, Al, और एल्युमिनियम के साथ कौन कौन जुड़ा है हमारा, क्लोरीन, क्लोरीन और एक क्लोरीन, और क्लोरीन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी प्रकार इसके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्लोरीन के अंतिम कक्षक में 7, तो 2 3 4 5 और ये 6 7। अब एल्युमिनियम के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 है बेचारा का, ठीक है। तो 3 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये ना, और ये हो गया आपका 3। इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब एल्युमिनियम क्या करता है, अपने जो अंतिम कक्षक में जो 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उस 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होता है वो 3 क्लोरीन के साथ करता है। तो क्लोरीन के साथ शेयरिंग करने से क्लोरीन तो खुश हो जाता है क्योंकि उनका स्ट्रक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कैसे, देखो ये हमारा कर दिया तो क्लोरीन का 8 हो गया, 6 2 8। इसकी बात करूँ तो इसका भी कितना हो गया, 8, ये भी खुश हो गया। इसकी भी बात करूँ तो इसका भी कितना हो गया, 8 हो जाता है। बट एल्युमिनियम की बात करूँ जो कि केंद्रीय परमाणु होता है, ये केंद्रीय परमाणु क्या करता है आपका, उनका आष्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है भाई, क्योंकि उनको देखें तो ये 3 के साथ कर रहा है तो इसका 6 ही हो पाता है। देखो 1 2 और ये 3, इसके साथ हमारा टोटल कितना हो गया हमारा, इसके लेके हमारा ये हो गया 3। तो 3 दुनी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। मतलब अभी भी उनमें क्या होता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी होता है जो कि अष्टक नियम के अपवाद को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीका से पहला जो हमारा अपवाद दिया गया है वो है केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। तो कुछ यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु क्या करता है, साझेदारी के बाद भी उसका अष्टक कम्प्लीट नहीं हो पाता है, और उस यौगिक को हम लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ते आ रहे हैं। इस कारण इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, अष्टक नियम के अपवाद के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिन तत्वों के आपका जो बोल सकते हैं उनका जो केंद्रीय परमाणु होता है उनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, तो ये सब जो है आपका अपवाद के श्रेणी में रखा जाता है, किसके, अष्टक नियम के। तो ये पहला हो गया, आपको अगर पूछता है अष्टक नियम के अपवाद लिखिए तो ये हेडिंग लिखना और एक उदाहरण को आप दे देना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए और भी अपवाद हैं उसको हमको देखना है। दूसरा है हमारा विषम इलेक्ट्रॉन अणु, दूसरा हमारा क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी क्या होता है, हमारे एक अपवाद के श्रेणी में इसको रखा जाता है। विषम इलेक्ट्रॉन अणु का मतलब होता है कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं या कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनके परमाणु में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके परमाणु में विषम संख्या में क्या पाए जाते हैं भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऐसे भी कुछ हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं पाए जाते हैं। तो देखते हैं, और जो कि अष्टक नियम को क्या करते हैं, उसके अपवाद के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण आपका क्या किया गया है, दिया गया है, उस उदाहरण को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से विषम इलेक्ट्रॉन अणु होता है। इसमें पहला उदाहरण आपका लिया है, वो लिया है आपका एनो, एनो को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है भाई हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल अलग होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अलग होता है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन नाइट्रिक ऑक्साइड है कौन नाइट्रिक अम्ल है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो मैं लिखा हूँ वो कौन सा है हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड है। एक हमारा होता है हमारा HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं भाई,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो कुछ हमारा अणु होता है जिस अणु में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। विषम संख्या में बोल सकते हैं मतलब विषम मतलब होता है आपका एक हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, ये हम बोल सकते हैं इस संख्या में क्या होता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसे भी क्या होते हैं हमारे यहाँ पर जो है अणु देखने को मिलता है, जैसे हमारा NO जिसमें होता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं इसमें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं इसका तो 2 और कितना हो जाता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 2 और कितना हो जाता है 6। अब नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि दोनों आपस में क्या हुआ है जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ ये हो जाता है आपका, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और इधर होकर 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अगर हम देखें तो इसके अंतिम कक्षक में मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है आपका 3 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं अष्टक नियम के हिसाब से देखूँ तो इसका अष्टक कितना में प्राप्त हो जाता है भाई, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का, इस प्रकार से तो इसका 8 क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर इसका मैं बात करूं तो इसका हमारा क्या हो जाता है, हमारा 8 क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि इसमें देखो इसके पास भी 5 है और इसके भी पास भी क्या होता है हमारा 5 होता है, अर्थात इसमें क्या होता है विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 5 और ये 5 है ना, और इतना में लगभग इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। और इसको लिखते वक्त एक और तरीका से क्या किया जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है, वो होता है एन और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3-3 इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या हो जाता है आपका वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है दर्शाया जा सकता है। तो इस तरीका से ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है हमारा फिलहाल साझा कर रहा है और ये तब जाके अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो उस स्थिति में इसमें 5-5 इलेक्ट्रॉन है मतलब, और वहाँ पर वो अष्टक पूर्ण कर रहा है अर्थात विषम संख्या में इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसी को भी हम क्या कर सकते हैं आपका अष्टक नियम के जो अपवाद हैं उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं उसको रख सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा 2 पॉइंट, चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं, वो है हमारा केंद्रीय परमाणु का प्रसारित अष्टक। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा भाई, केंद्रीय परमाणु का प्रसारित अष्टक। केंद्रीय परमाणु का प्रसारित अष्टक से मतलब क्या होता है कि अगर हम जो है आवर्त सारणी में जाएँ और आवर्त सारणी में हम दूसरे आवर्त के बाद तीसरे आवर्त में जाएँ, किसमें जाएँ हमारा तीसरे जो आवर्त होता है, थर्ड आवर्त जो होता है, आवर्त क्या होता है आप जानते हैं, तो जो तीसरे आवर्त होते हैं, तीसरे आवर्त, ठीक है, तो तीसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में आपके तीन कक्षा आ जाता है, 3s आ जाता है, 3p आ जाता है और क्या आ जाता है 3d आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 से कहीं क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है और यह आपका प्रसारित अष्टक के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। तो आवर्त जो तीन होता है, तो आवर्त जो तीन होता है इसमें लिख सकते हैं तीसरे आवर्त में आपका 3s, 3p और क्या होता है हमारा 3d क्या होते हैं हमारे यहाँ पर कक्षक होते हैं, कक्षक होते हैं जिसके कारण हमारा जो क्या होता है केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु के जो बोल सकते हैं केंद्रीय परमाणु के जो 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के, केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 8 से क्या होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो केंद्रीय परमाणु में 8 से अधिक क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें प्रसारित अष्टक कहते हैं, प्रसारित क्या कहते हैं भाई अष्टक कहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो व्यवस्था है या इस प्रकार की स्थिति है आपको तब देखने को मिलता है जब आप दूसरे आवर्त के बाद तीसरे आवर्त में क्या करते हैं जाते हैं। आवर्त क्या होता है भाई,
तो पीरियोडिक जो टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो आपका बाएं से जो दाएं क्या बना रहता है, इस प्रकार से जो क्षैतिज कालम बना रहता है वही आपका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। और अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी आप जो पढ़ चुके हैं उसमें टोटल आवर्तों की संख्या कितना है, हमारा 7 है, ठीक है। तो इसमें पहला आवर्त को छोड़ दें, दूसरे आवर्त को छोड़ दें, अगर हम तीसरे आवर्त में जाएँ तो इनमें तीन हमारे क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं 3s, 3p एंड 3d। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उस स्थिति में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उसे प्रसारित अष्टक के नाम से जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं और जिनके केंद्रीय परमाणु पर 8 से क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस कारण से ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, जो कि अष्टक नियम के अपवाद के अंतर्गत क्या किए जाते हैं भाई, रखे जाते हैं। तो कौन कौन से वो यौगिक हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर उदाहरण पर दिया गया है, एक दिया है आपका PCl5, है ना, PCl5, जिसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, जानते होंगे आप, ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पी को बोलते हैं फास्फोरस, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड, चूँकि क्लोरीन की संख्या 5 दिया है इस कारण से उसको पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, है ना। इसमें केमिस्ट्री में नाम होता है, एक को बोलते हैं मोनो, दो अगर हो तो उसको बोलते हैं डाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, और 5 होगा तो पेंटा बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग PCl5 को देख रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये पेंटा हेक्जा तब लगाया जाता है जब एक ही तत्व है ना कई प्रकार से उसी के साथ यौगिक बना सकता है। जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो होता है वो क्लोरीन के साथ ट्राईक्लोराइड भी बनाता है, ठीक है। तो चूंकि फास्फोरस क्लोरीन के साथ दो प्रकार से यौगिक बना सकता है, इस कारण से इसको हम डाईट्राई या पेंटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे इसको पेंटा ट्राईक्लोराइड बोलते हैं और उसको पेंटा फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो ये हम चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल हम चलते हैं उदाहरण के पास। तो PCl5 हो गया, और एक देखते हैं हम लोग SF6, इसको बोलते हैं, एस को बोलते हैं सल्फर, 6 है तो हेक्सा, और फ्लोरीन को फ्लोराइड कहा जाता है यहाँ पर, जिसकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा होता है ना उनमें आइड लगा के हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और जिसका धनात्मकता क्या होता है हमारा कम होता है उसको जैसा का तैसा नाम रखते हैं। तो हम पहले किसको देखते हैं, PCl5 को। आपको पता है PCl जो 5 होता है, इस PCl5 में केंद्रीय परमाणु होता है हमारा फास्फोरस, कौन होता है हमारा फास्फोरस। और ये भी आप जानते हैं कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, नहीं जानते हैं तो देख लो, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 8 कितना होता है हमारा, 5 होता है भाई, ये कितना होता है हमारा 2 8 5, क्यों, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए पहले कक्षक में, पहला कक्षा में, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इनके अंतिम में कितना दिख रहा है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन इनकी संयोजकता कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा, संयोजकता कहलाता है। और इस संयोजकता को लुईस के अनुसार कैसे दर्शाते हैं भाई, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, ये हमने बिंदु के रूप में दर्शा दिया, 1 2, ये हो गया 3, एक हो गया 4, एक को और कहीं जगह उठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं 4, और ये हो गया हमारा 5, ये 5 हो गया किसका, फास्फोरस का। अब फास्फोरस को कौन घेर के रखा है, 5 क्लोरीन घेर के रखा है, और आप जानते हैं जो क्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 और कितना लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, और इसके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया एक क्लोरीन का, ठीक है। इधर भी हम जाएंगे तो एक क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। इधर भी मैं जाऊँ तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर मैं फिर से क्लोरीन के पास जाऊँ तो ये 1 हो गया 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। और यहाँ पहुँच जाऊँ अगर तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया आपका, 7 हो गया। अब देखें तो ये फास्फोरस जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, अपने 5 इलेक्ट्रॉन का एक जो है 5 क्लोरीन के साथ साझा करता है, तो क्लोरीन खुश हो गया, 8 हो गया इसका, इस क्लोरीन भी खुश हो गया, उसका भी 8 हो गया, ये क्लोरीन भी खुश हो गया, उनका भी 8 हो गया, क्योंकि सब आर्गन के जैसे बन रहे हैं, ये भी खुश हो गया और ये भी क्या हो गया आपका, खुश हो गया। तो क्लोरीन तो सब के सब क्या हो गए, खुश, क्योंकि सब किसके जैसा बन गए, आर्गन के जैसा बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर फास्फोरस की बात करें, किसकी बात करें, फास्फोरस का, तो फास्फोरस देखो 5 के साथ साझा कर रहा है, तो टोटल अगर हम देखें तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आ जाता है 1, और ये हो जाता है आपका इसके साथ 2, ये हो जाता है
चार, तो ये दो हो गया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, और ये कैट हो जाता है, दस्ट हो जाता है। तो इस तरीका से हम देख रहे हैं कि इसमें केंद्रीय परमाणु जो फास्फोरस है उस फास्फोरस पर आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, दो दस इलेक्ट्रॉन है, जो कि अष्टक नियम के क्या हैं, अपवाद हैं। फिर भी हम PCl5 को क्या करते हैं, पढ़ते हैं या इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपवाद। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं SF6 का। SF6 को बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, है ना, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, ये आप जानते हैं। इसका मैं समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 2 और 7 होता है, और सल्फर का लिखूं तो 2, 8 और कितना होता है आपका, 6 होता है। मतलब सल्फर के अंतिम कक्षक में देखें तो सल्फर के अंतिम कक्षक में आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्लोरीन है उसके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो उनके संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो फिलहाल उसको लुईस के अनुसार लिख देते हैं। तो ये हो गया सल्फर, सल्फर के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, एक ठो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक ठो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये टोटल 6 हो गया। अब 6 फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, ये साझा करके यौगिक बनाया है, तो उन फ्लोरिनों को भी लिख देते हैं भाई हम लोग। एक फ्लोरीन हम यहाँ पर लिख दिए, है ना, ये हो गया, एक फ्लोरीन हम यहाँ पर लिख दिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और एक फ्लोरीन यहाँ पर, और फ्लोरीन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो उसको भी जमा दो। 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और ये 7, इसका भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, इसका भी मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका भी बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये भी देखूं मैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया। और इसमें भी बात करूं तो कितना हो जाता है हमारा, 1 और 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 की बात करें तो सब तो क्या करता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन का 6 क्लोरीन के साथ साझा कर दिया है, तो इसमें क्या होता है, ये इसके साथ कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका उसका 8, फ्लोरीन खुश हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका कितना कंप्लीट हो गया भाई, 8 कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पर ये फ्लोरीन भी खुश हो जाएगा, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट और इसका भी 8 कंप्लीट। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो 6 के साथ एकक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तो उसके पास 6 दूनी कितना हो जाता है आपका, 12 हो जाता है। 6 दूनी कितना हो जाता है, 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखें ये आपका 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो इस प्रकार से सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर केंद्रीय परमाणु का 8 होना चाहिए, लेकिन 8 की जगह कितना होता है आपका, 12 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अष्टक नियम के क्या होते हैं, अपवाद के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इस तरीका से हम तीसरा पॉइंट में भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से अष्टक नियम में क्या होते हैं, अपवाद पाए जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आगे क्या है, अणुओं की आकृति, ठीक है, अणुओं की क्या दिया है हमारा, आकृति। अगर मैं अणुओं की आकृति की बात करूं तो फिलहाल जो है आपका त्रिपरमाणु, चतुर्थ परमाणु, है ना, पंचम परमाणु, ऐसे परमाणु वाले जो भी हमारे यौगिक हैं या अणु हैं उनका जो आकृति है उसके बारे में फिलहाल अष्टक नियम के द्वारा उनकी संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जाता है, है ना। तो ये अणुओं की आकृति बोल रहा है, अणु की आकृति बारे में, अणुओं की आकृति के बारे में अष्टक नियम से कोई जानकारी नहीं मिलता है। हाँ, 1-2 वाला है तो अलग चीज़ है, ठीक है, 2 परमाणु है मान लो तो रेखीय बोल सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होता है ना, 3, 4, 5, 6 ऐसा परमाणु वाला अगर कोई अणु आ जाता है तो उस स्थिति में उनकी आकृति कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, उसकी कैलकुलेशन, उनकी गणना हम जो है जो क्या बोल सकते हैं, अष्टक नियम के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं त्रिपरमाणु अथवा चतुर्थ परमाणु अणु की जो आकृति है, अणु की आकृति की व्याख्या या अणु की आकृति के
के बारे में अष्टक नियम कोई जानकारी नहीं देता है, कोई जानकारी नहीं देता है, कोई जानकारी नहीं देता है। तो इसमें इतना ही हमको लिखना है और कुछ नहीं है। तो अगर हम अष्टक नियम की बात करें तो ये त्रिपरमाणु चतुर्थ परमाणु जो भी अणु होता है उनकी आकृति किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इनकी जानकारी नहीं देता है। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड दो पॉइंट और दिया गया है जिनसे हम अणु की जो ज्यामिति है उसको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। तो क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी अणुओं की आकृति है उनको समझाने के लिए अलग से कुछ क्या दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, जिसका पहला टॉपिक आपका दिया गया है वो है एकल इलेक्ट्रॉन बंध। क्या दिया है हमारा, एकल इलेक्ट्रॉन बंध, सिंगल लिंकेज दिया गया है। एकल इलेक्ट्रॉन बंध क्या होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि अष्टक अगर पूर्ण करना है तो या तो इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है या तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाता है। मतलब जब दो परमाणु है मान लो, तो दो परमाणु जो होता है अगर वो आपस में साझा करता है तो उसको दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। मतलब दोनों परमाणु के पास एकक इलेक्ट्रॉन की क्या होना चाहिए, वहाँ पर उपलब्धि होना चाहिए, या एकक इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए तब जा कर के साझा होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन एकल इलेक्ट्रॉन जो बंध है वो ये कहता है कि कोई भी जो है साझेदारी के लिए अगर दो परमाणु आपस में क्या करता है, साझेदारी करता है, तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का भी साझा करके क्या किया जा सकता है, बंध बनाया जा सकता है। और इस प्रकार का जो बंध होता है उसको इस प्रकार से छोटा जो है टूटा हुआ तीर से या आधा तीर से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि वो जो बंध है उसमें दो इलेक्ट्रॉन भाग न लेकर के, या किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन भाग न लगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाग लेता है। और इस प्रकार से भी बंध क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसके अनुसार कि जो है हम जानते हैं कि साझा के लिए दो परमाणु की आवश्यकता होती है, है ना। हम यह समझते हैं कि साझेदारी के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के साझा से भी क्या बनाई जा सकती है, बंध बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से भी बंध बनाई जा सकती है, है ना। इसे एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि साझेदारी के लिए दो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से भी आप क्या कर सकते हैं, दो परमाणु के बीच बंध बना सकते हैं, ऐसा केमिस्ट्री कहता है, ठीक है। और ऐसा हो जाता है, होता है तभी बोलता है भाई इसमें सभी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये क्या होता है हमारा, एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। और इस बंध को इसे इस प्रकार से या तो छोटा तीर या तो आधा तीर से क्या की जाती है, इसको प्रदर्शित की जाती है। तो इसे आपको या तो ये इस प्रकार का तीर बोल सकते हैं या तो छोटा तीर से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो ये हो गया आपका एकल इलेक्ट्रॉन बंध। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण बिना उदाहरण कोई काम का नहीं, ठीक है, उदाहरण लिखने अच्छे पूछे चाहे मत पूछे, ठीक है। तो उदाहरण PCl5 के ही हम आकर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो PCl5 को ले लेते हैं भाई,
PCl क्या ले लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं, अभी जस्ट देखे थे, जिसके अंतिम कक्षक में फास्फोरस के अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं ले लेते हैं। तो किसको किसको ले लेते हैं भाई, चलिए एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, एक Cl मैं इधर ले लेता हूँ, एक Cl इधर ले लेता हूँ, तो 5 Cl हो गया। अब इसमें क्या होता है आपका, जानते हैं ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया भाई हमारा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6। अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ना करके क्या करता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ही क्या करता है, साझा करता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है वो साफ साफ इलधर ऐसे करके, ठीक है। तो उनका क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये बंधना है इसी को हम क्या बोलते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन बंध के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड बातें। इसी में एक दूसरा नंबर का भी बात आपका आता है, और वो दूसरा नंबर ये है कि कुछ ऐसे यौगिक हैं, है ना, या उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं संकुल यौगिक। कौन से यौगिक, संकुल यौगिक। 11वीं क्लास में आप नहीं पढ़ेंगे इसको, आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होता है, हमारा संकुल यौगिक होता है। ये यौगिक थोड़ा सा हट के है ना, अभी हम सिंपल पढ़ते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सिंपल हमारे यौगिक है। ये सब क्या बोल सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे क्या होते हैं, अकार्बनिक तो होते हैं बट उसको संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। तो जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें तो ऐसा होते हैं कि उस यौगिक में वैसे तो कई अणु या कई तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उनमें से कुछ तत्व के द्वारा ही क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है, उसमें से एक तत्व या एक अणु क्या करता है, किसी दूसरे अणु को या किसी दूसरे तत्व को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है। और वहाँ पर एक जो बंध बनता है वह बंध आपका उपसहसंयोजी बंध के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, 3rd नंबर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हम उदाहरण की बात करें, हमारे पास एक संकुल यौगिक उदाहरण के तौर पर क्या किया गया है, दिया गया है। मान लो हमारे पास दिया गया है के, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के फोर लिखते हैं, नो के फोर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं K2, यहाँ पर लिख देते हैं Fe, और ये हो जाता है आपका CN6। ये कर हमारा संकुल यौगिक है, हेक्साफेनोफेरेट, पोटेशियम हेक्साफेनोफेरेट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो साइनाइड होता है आपका, ये जो क्या होता है, साइनाइड होता है, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, आयरन को दे देता है। तो यहाँ पर जो बंध बनता है ये आपका क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है, या उसे हम उपसहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम एक तीर के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर केवल एक परमाणु ही क्या करता है, भाग लेता है, वो दूसरा सिर्फ ले रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, साझेदारी कर ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तब भी बंध बनता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, साझेदारी यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन से काम चल रहा है। मान लो साइनाइड क्या करता है, आयरन को जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, तो उस स्थिति में क्या कर रहा है, वहाँ पर केवल एक ही तत्व या एक ही परमाणु भाग ले रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके पास और सामने वाला भी भाग ले रहा है। तो इस प्रकार से भी बंध क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका अष्टक नियम, और अष्टक नियम के कुछ क्या हो गया आपका, अपवाद हो गया। तो इसको आपको अगर क्वेश्चन करता है तो आपको क्या करना है भाई, बढ़िया से बनाना है। तो ये तो हो गया आपका अष्टक नियम का, जितना भी अपवाद था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, वो है ससंयोजक यौगिक के गुण, ठीक है। ससंयोजक यौगिक के किसके पास चलेंगे हम लोग, गुण के पास चलेंगे भाई, है ना। इसका क्या क्या गुण होता है उसको हमको देखना है। वैसे आपको पता है ससंयोजक यौगिक क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है, नहीं पढ़े तो एक बार देख लो उसको। वैसे ससंयोजक यौगिक का मतलब होता है कि जब दो परमाणु आपस में क्या करता है, संयोग करता है, मिलता है, जुड़ता है, जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब दो परमाणु आपस में क्या कर जाता है, मिल जाता है, जुड़ जाता है या संयोग कर लेता है, और संयोग
करने के पश्चात उनके अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है अगर उनका क्या कर लेता है, साझा कर लेता है, और साझा करने के बाद जो यौगिक बनाता है या जो बंध बनाता है, अगर बंध बने तो उसे सहसंयोजक बंध, और बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है आपका, सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। और सहसंयोजी जो यौगिक होता है वो क्या क्या गुण दर्शाता है उसको हम क्या करने वाले हैं, इधर देखने वाले हैं कि क्या क्या वो गुण को प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं कौन कौन सा गुण है जो दिखाता है। पहला है हमारा भौतिक अवस्था। पहला क्या है, भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था वैसे तीन हेट होता है, उन्हीं को हम ज़्यादा जानते हैं, और भी होते हैं लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। भौतिक अवस्था मुख्यतः कितना होता है भाई, तीन, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है हमारा गैस। और भी होते हैं ना, दो होते हैं उधर प्लाज्मा में होते हैं, तो उधर सूर्य के पास थोड़ी जाएंगे हम लोग, है नहीं, तो उधर नहीं जाएंगे। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, और एक क्या होता है हमारा, गैस। इनको ही हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं भौतिक अवस्था में। ठोस, द्रव और गैस तीन ही भौतिक अवस्था है मुख्यतः, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सहसंयोजी यौगिक की बात करें और उनके अगर हम पहला गुण भौतिक अवस्था की बात करें, तो सहसंयोजी जितने भी यौगिक होते हैं, अपवाद तो इसमें भरा पड़ा है भाई, अपवाद को छोड़ दो, ठीक है, वो हरदी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, भौतिक अवस्था की बात करूँ तो जो भी हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं या तो वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या तो वो आपके गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, साफ साफ भाषा में, ठीक है। तो हमारा बोल सकते हैं कि सहसंयोजी यौगिक, कौन से यौगिक हमारा, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी, सहसंयोजी यौगिक, यौगिक है ना, ठोस नहीं, द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट में बस इतना ही, कुछ नहीं है कि सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं भाई, कैसे उठते भौतिक गुण होते हैं। तब बोल सकते हैं कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो जनरली द्रव या गैस अवस्था में क्या होते हैं आपके, पाए जाते हैं। ये हो गया आपका उसका पहला गुण। और उदाहरण के लिए लिखें तो हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं H2 का, है ना, ये जो H2 है उसकी हम बात करें, एक सहसंयोजी अणु है, ठीक है, H2 हम बोल सकते हैं, ये आपकी गैस अवस्था में होता है। अगर मैं बात करता हूँ Br2 का, ये आपका द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव होता है भाई, है ना। और मैं अगर बात करूँ आयोडीन का, तो आयोडीन आपका क्या होता है, आपका ठोस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, अपवाद है, समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, दो को लेते हैं, गैस अवस्था में और हमारा द्रव अवस्था में। और भी हम सहसंयोजी यौगिक जैसे मेथेन ले सकते हैं भाई, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ये किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में क्या होता है आपका, पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, और ये पहला उसका क्या है, गुण है, भौतिक अवस्था कैसा होता है। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो जनरली सामान्यतः गैस या द्रव अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि आपको गैस या तो द्रव अवस्था में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। चलिए अब हम करते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट है हमारा गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब आप जानते हैं, गलनांक मतलब होता है पिघलना, क्वथनांक मतलब होता है उबलना। तो गलनांक क्वथनांक की अगर मैं बात करूँ, तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिक से थोड़ा क्या होते हैं आपके, कम होते हैं भाई। तो लिख सकते हैं यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। क्या होते हैं हमारे, कम होते हैं, क्योंकि कई कारण तो होता है क्यों कम होते हैं, क्योंकि सहसंयोजी बंध में परमाणु आपस में दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा बंधे होते हैं
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या लिखे हैं कि गलनांक क्वथनांक की बात करें तो ससंयोजी जो भी यौगिक होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, आयनिक बंध से क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसके वजह ये होते हैं कि जो भी हमारे क्या होते हैं, जो ससंयोजी हमारे जो यौगिक होते हैं या ससंयोजी जो अणु होते हैं उनके बीच पाए जाने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है आपका, दुर्बल वैन डर वाल्स बंध होता है। और दुर्बल वैन डर वाल्स बंध होने के कारण आसानी से उसको कम ताप पर उबाला या पिघलाया जा सकता है। इस कारण से क्या होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो आपके आयनिक यौगिक के कंपेयर में क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। तो इस तरीका से इसके दूसरा जो गुण होते हैं उसको लिखे जा सकते हैं। इतना ही करना है आपको और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट चलते हैं, वो है दिशात्मक प्रकृति। जिस प्रकार से आप पढ़े थे कि आयनिक यौगिक कैसा होता है, वो आपका विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन अगर हम ससंयोजी बंध की बात करें तो ससंयोजी जो क्या होती है, यौगिक होती है, वो दिशात्मक प्रकृति की होती हैं। तो इसमें इतना ही करना है, ससंयोजी जो यौगिक हैं, ससंयोजी यौगिक कैसे प्रकृति के होते हैं भाई, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। तो इसमें इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जितने ससंयोजी यौगिक होते हैं वो दिशात्मक प्रकृति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा, तीन पॉइंट। चलिए एक आध पॉइंट और देखते हैं। आगे है विलयता। आगे क्या है हमारा, विलयता। विलयता मतलब होता है घुलने की क्षमता, किस में घुलता है और किस में नहीं घुलता है उसको विलयता बोलते हैं। और हमारे पास दो प्रकार के विलायक होता है, एक होता है ध्रुवी, एक क्या होता है हमारा, ध्रुवी विलायक होता है जिसमें पानी को रखा जाता है। एक कैसा होता है भाई हमारा, ध्रुवी विलायक, ठीक है, जिसमें हम किसको रखते हैं, पानी इसके अंतर्गत रखा जाता है, पानी ही ध्रुवी विलायक है हमारा ज़्यादातर। तो ये हो गया H2O, पानी का फार्मूला क्या होता है हमारा, H2O होता है, ठीक है, दूसरा मत बोलना, ठीक है, H2O। और एक होता है अध्रुवी विलायक, एक हमारा क्या होता है, अध्रुवी विलायक। अध्रुवी विलायक में बहुत सारा चीज़ आ जाता है भाई, कौन कौन से आ जाता है, जैसे बेंजीन आ जाता है, बेंजीन के फार्मूला C6H12 होता है, ईथर आ जाता है हमारा, ROR आ जाता है, क्लोरोफॉर्म आ जाता है ना, एथिल एल्कोहल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, अध्रुवी विलायक होते हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं किसका, ससंयोजी बंध का, तो ससंयोजी बंध जो होता है वो दो जो बंध होता है वो ध्रुवी विलायक में अविलय होता है। ध्रुवी विलायक में क्या है हमारा, अविलय है। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो भी ससंयोजी यौगिक होता है वो ध्रुवी विलायक में क्या होता है, अविलय होता है। लेकिन अगर हम अध्रुवी विलायक में बात करें तो ये क्या होता है, उसमें विलय होता है, क्योंकि भाई भाई हो जाता है भाई, है ना, और इस वजह से ये क्या हो जाता है, अध्रुवी विलायक में घुल जाता है। तो हम इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपका जो ससंयोजी यौगिक होता है वो ध्रुवी विलायक में अविलय होता है, और अध्रुवी जो क्या होता है हमारा विलायक होता है उसमें विलय होता है। तो इस तरीका से विलयता को इसमें क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और उसमें कुछ नहीं, उसी को आप थ्योरी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिखेंगे तो चलेगा। ओके ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब क्या होता है भाई, विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये कुचालक होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हो, गैस अवस्था हो, किसी भी अवस्था में सब के सब क्या होते हैं, आपके कुचालक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक, है ना, जलीय अवस्था, जली अथवा सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ये कुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो ससंयोजी जो भी यौगिक हैं, चाहे वो जल में घोल दो या जैसे ही सामान्य अवस्था में हो, दोनों ही स्थिति में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, और कुछ नहीं है, इतना ही करना, उतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट है आपके गुण में, वो है रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करूँ तो इसमें मंद रासायनिक अभिक्रिया होता है, या इनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, धीमी गति से होता है, मतलब उतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक, है ना, कि रासायनिक अभिक्रियाएँ
रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है? मंद होती है, मंद गति से होती हैं, होती हैं। तो अगर हम जितने भी सहसंयोजी यौगिक की बात करें तो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है? हमारा मंद गति से होती है। कैसे होती है? मंद गति से होती हैं। तो इस तरीका से जो आपका सहसंयोजी यौगिक हैं उनकी जो गुण है उनको क्या की जा सकती है? दर्शाई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो लेसन है, क्या जो टॉपिक है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आने वाला जो क्लास है उसमें हम फिर आगे का टॉपिक क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं।